हेलो बॉयज एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो जैसा कि तुम लोगों को पता है कि T20 वर्ल्ड कप शुरू है और ग्रुप ए में तो तकरीबन पानी फिर चुका है, और आज हम लोग बात करेंगे T20 वर्ल्ड कप में होने वाले मैचेस की जो आज होंगे, यानी कि संडे को, जो कि 3 मैचेस हैं। नंबर 1 इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, नंबर 2 पाकिस्तान वर्सेस नीदरलैंड, एंड नंबर 3 जिम्बाब्वे वर्सेस बांग्लादेश। और जैसा कि तुम लोगों को पता है कि पाकिस्तान अपने दोनों मैच कितनी बुरी तरह से हार चुका है, जो कि इंडिया से हारा 1 रन से और दूसरा जिम्बाब्वे से हारा 1 रन से। मेरे ख्याल से ये दोनों मैच पाकिस्तान को लाजमी हर हाल में जीतने चाहिए थे, जो कि पाकिस्तान नहीं जीत सका। वेरी बैड न्यूज़। और मैं ये चाहता हूँ कि पहला मैच जीते इंडिया साउथ अफ्रीका से, दूसरा मैच जीते पाकिस्तान नीदरलैंड से, और तीसरा मैच जीते बांग्लादेश जिम्बाब्वे से, और फिर हमारे लिए थोड़ी सी खुशी की खबर हो सकती है। मगर इस टाइम पाकिस्तान के ऊपर दोबारा से वो कंडीशन आ चुकी है कि इंडिया जीते साउथ अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका हारे इंडिया से, जिम्बाब्वे हारे बांग्लादेश से, और पाकिस्तान अपने अगले तीनों मैचेस जीते हर हाल में, और फिर ही हम क्वालिफाई कर सकते हैं सेमीफाइनल्स के लिए। और इस तरह सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने का बिल्कुल मज़ा नहीं है, और जो भी हो हमारे हक में बेहतर हो। और अब मैं बात करूंगा पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के बारे में। वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख के आप लोगों को आइडिया हो चुका होगा, पाकिस्तान नीड हेल्प। अब मैं बात थोड़ी कंटिन्यूसली करूंगा, क्योंकि वीडियो का टाइटल देख के आप लोगों को पता लग चुका होगा कि पाकिस्तान नीड हेल्प। पाकिस्तान को ज़रूरत है किस चीज़ की? पाकिस्तान को ज़रूरत है अच्छे अच्छे प्लेयर्स की, जो कि उनको मैच जितवा सके, ना कि आसफ अली, शदाब, इफ्तिखार, उस्मान कादिर और खुशदिल शाह, हैदर अली, इनको पहली फुर्सत में टीम से बाहर निकाल देना चाहिए, क्योंकि ये हमारी टीम के लिए एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर है। इनकी जगह पर हम और बहुत सारे प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, जैसे कि शुएब मलिक, फहीम अशरफ, और भी बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर हैं। मैं पूरी लिस्ट यहाँ पर लगा दूँगा, तो आप लोग कल पढ़ लीजिएगा। अगर हम इन लोगों की जगह पर इनको खिलाते हैं तो हमारी टीम पाकिस्तान के लिए अच्छे रिजल्ट ला सकती है। और जिन प्लेयर्स के मैंने नाम लिए हैं, इन प्लेयर्स ने तकरीबन पिछले 20 मैचेस से कोई परफॉर्म नहीं किया, आप लोग मुझसे बेहतर ही जानते हैं। और नंबर 1 पे सोचना चाहिए बाबर आजम को, क्योंकि उसको अपनी दोस्ती यारी जिस तरह के वसीम अकरम, आफ्ताब इकबाल, और इस टाइम जितने भी तमाम लेजेंड्स हैं, जो क्रिकेटर के लेजेंड्स बड़े लेवल पर जो बैठे हुए हैं, वो इस टाइम बिल्कुल सही कहते हैं बाबर आजम के बारे में कि उसको दोस्ती यारी को इस टाइम पर साइड पर रख के पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, वो जनाब अपने दोस्ती यारी के चक्करों में उनको मौके देता है, जिस वजह से बाकी टैलेंट पीछे रहता है, उनको खेलने का, पाकिस्तान के लिए खेलने का मौका नहीं मिलता। और बाबर आजम के बारे में आफ्ताब इकबाल साहब ने बड़ी कमाल की बात कर दी है कि उनमें अना आ चुकी है, वो दूसरे पेयरों को कुछ समझते नहीं है। तो नो डाउट बाबर आजम एक बहुत बड़ा स्टार है, हम लोग मानते हैं, पूरी दुनिया मानती है, लेकिन बाबर आजम को इस चीज़ के ऊपर गौर करना चाहिए, अपने जेन दिल दिमाग से दोस्ती को निकाल के सबसे पहले पाकिस्तान के बारे में सोचे, जो कि वो बिल्कुल भी नहीं कर रहा। और जहाँ तक बात है कैप्टन सी की, तो भाई सीधी साफ बात है, बाबर आजम को कप्तानी करनी बिल्कुल नहीं आती। बाबर आजम को खुद चाहिए कि वो कप्तानी से चुप करके रिज़ाइन दे दे, लेकिन अब हम लोग कर भी कर सकते हैं, हमारी टीम है, सपोर्ट तो हमें करना पड़ेगा। लेकिन मेरी एक बात लिख लीजिए, T20 वर्ल्ड कप के बाद बहुत ज़्यादा चेंजिंग होने वाली है, और आज के मैच में हमें सबसे ज़्यादा दुआ इंडिया वालों के लिए करनी चाहिए, ताकि वो साउथ अफ्रीका से जीतें और हमारे चांसेस बने। जैसी हमारी टीम की प्रोग्रेस चल रही है, मैं तो खुद चाहता हूँ कि हमारी टीम सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई बिल्कुल ना करे, क्योंकि इस टाइम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है टीम में चेंजिंग होना, कोई 5-10 खिलाड़ियों को निकाल के उनकी जगह पर नए खिलाड़ियों को टीम में लाना, ये इस टाइम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए। और एक बात मैं आपको और बताता चलूँ कि बाबर आजम अंदर आती हुई गेंद कभी ज़िंदगी में नहीं खेल सकता, और बाबर आजम को वैसे भी रिवर्स गियर लग चुका है। फिर वही बात, हमारी टीम है, सपोर्ट तो करना पड़ेगा, अल्लाह करे कि ये लड़के आज का मैच जीत जाएं। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह आपसे मैच के वक़्त ही, उसके बाद फिर मैं आपको अपना दूंगा फाइनल ओपिनियन। तो मिलते हैं इंशाल्लाह मैच के वक़्त।
तो यार मैच शुरू हो चुका है और नीदरलैंड ने टॉस जीत के पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग का फैसला किया था, और अभी मैं देख रहा हूँ कि उनका पहला आउट हो चुका है सिर्फ 4 स्कोर के ऊपर। और जहाँ तक बात है पहले मैच की, पहला मैच जीत चुका था बांग्लादेश, जो कि हमारे लिए एक बहुत अच्छा साइन है। बाकी लेट्स सी, मैं आपको साथ साथ अपडेट करता रहता हूँ। तो यार इस टाइम 26 पे 3 आउट हो चुके हैं नीदरलैंड के, उम्मीद है कि पाकिस्तान की मैच भेजेगा। बाकी आप लोग दुआ कीजिएगा कि इंडिया आज हर हाल में जीते, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया है कि इंडिया को यार आज हर हाल में जीतना चाहिए। तो यार अभी भी बड़ा हैवी सीन हुआ है कि मेरी मामा अभी ना एक गाड़ी पर घर आई हैं, और उस गाड़ी में मेरी मामा के 2 बैग रखे हैं। मेरी मामा ने हम दोनों भाइयों के लिए 2-3 हुड लिए थे, यानी कि शॉपिंग की थी, तो वो दोनों के दोनों बैग वो ऊबर वाली गाड़ी में कराने चले गए हैं। तो ये एक नई समस्या बन चुकी है। और वैसे यार मेरे नानों के लिए दुआ करना, उनका मेजर ऑपरेशन अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक सही सलामत हो चुका है। अल्लाह पाक उनको जल्दी जल्दी सेहत याब करे, आमीन। आप लोग भी दुआ कीजिएगा। बाकी मैच चल रहा है, मैच भी देखते हैं। तो यार मैच तुम लोगों ने देख लिया होगा, नीदरलैंड ने पाकिस्तान को टारगेट दिया था 91 रन का, और पाकिस्तान को 50 बॉलों में पचाइए 10 रन, और रिजवान की होने वाली है 50। तो पाकिस्तान ये मैच तो जीत चुका है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दूसरा मैच, जो कि है इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। उसमें हमने जितवाना है हर हाल में इंडिया को, क्योंकि तभी पाकिस्तान आगे क्वालिफाई करेगा। तो लेट्स सी, देखते हैं। तो यार तुम लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो, पाकिस्तान इस टूर्नामेंट से हो चुका है टोटली तौर पर बाहर। मैच तुम लोगों ने देख लिया होगा इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का, और क्या किस्म की बैटिंग की है डेविड मिलर ने, आउटस्टैंडिंग किस्म की। और पाकिस्तान इसी मैच के अंदर पाकिस्तान का सहारा था जो कि ख़त्म हुआ। और एक बात और याद रखना कि पाकिस्तान ने भी अपना मैच साउथ अफ्रीका से बिल्कुल भी नहीं जीतना, क्योंकि भाई वो टीम सीरियसली का नाम है वर्ल्ड कप का फाइनल जीतने के लिए आई हुई है, और हमारी टीम के बारे में वो बेहतर पता है, और बाबर आजम साहब से तो छिक्का बचता नहीं है। तो देखते हैं यार फिर क्या बनता है, डिसअपॉइंटमेंट हुई है बहुत ज़्यादा। और जहाँ तक बात है अब वर्ल्ड कप की, तो यार मैं अब सपोर्ट करूँगा न्यूजीलैंड को, केन विलियमसन भाईजान को पूरी तरह सपोर्ट करेंगे, क्योंकि यार मुझे जो डिज़र्विंग टीम लगती हैं इस T20 वर्ल्ड कप की वो है भाई न्यूजीलैंड। ना ऑस्ट्रेलिया, ना इंग्लैंड, ना साउथ अफ्रीका, ना इंडिया, पाकिस्तान तो बिल्कुल ही फ़र्क है ना। आप न्यूजीलैंड टीम को ये वर्ल्ड कप जीतना चाहिए हर हाल में, और मैं इंशाल्लाह उसको भरपूर तरीके से सपोर्ट करूँगा। और यार सुबह से वैसे भी हमारी यूनिवर्सिटी शुरू हो रही है, तो यार उसकी भी तैयारी करनी है, तो उसकी तैयारी कर लेते हैं। तो यार इसी तरह हम अपने इस ब्लॉग को करते हैं एंड, मेक श्योर लाइक सब्सक्राइब, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और जहाँ तक बात है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की, तो यार वर्ल्ड कप के फ़ौरन बाद बहुत बड़ी बड़ी चेंजिंग होने वाली है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, मेरी बात लिख लीजिए ठीक है। सबसे पहली चेंजिंग जो मुझे लगती है कि बाबर आजम की तो यार कैप्टन सीट से छुट्टी है बिल्कुल, क्योंकि भाई इसको कप्तानी नहीं करनी आती, सीरियस ही बात है। इसको गुस्सा लगता तो लगे, जो बात फैक्ट है जो सच है वो भाई हमने करनी है ठीक है। और करते हैं इस व्लॉग को एंड, मेक श्योर लाइक सब्सक्राइब, एंड मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड पीस।